नमस्कार, मैं हूँ एकता गहरवार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत ही खास व्यक्ति, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी। नमस्कार सर। सर के बारे में हर कोई जानता है, सर की पहचान बताना ये बहुत ही मतलब शब्द नहीं है, कम पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दो तीन खास बातें बताती हूँ सर के बारे में। सर समाज के छोटे बड़े कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, बल्कि सर की पहचान एक मजबूत और क्रांतिकारी शख्स के तौर पर की जाती है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने करणी सेना संगठन द्वारा समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का भी स्थापना दिवस 3 मार्च को मना रहे हैं हम जयपुर राजस्थान में विद्याधर नगर स्टेडियम में। हमने जो समाज के लिए और सवर्ण समाज के लिए करनी सेना के जरिए 10% आरक्षण मिला है, ये आर्थिक आधार पे आरक्षण जो 10% सरकारों ने दिया है, इसकी मांग पूर्व दो तरीके से हम लोगों ने की थी। आपने देखी है कि हमने 15-15 लाख, 10-10 लाख लोग, 2-2, 4-4 लाख लोगों की रैलियां और मीटिंगें की जी। फर्स्ट में तो ये, इसके अलावा हमने जो हमारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते थे जी, जो हिंदुत्व के साथ छेड़छाड़ करते थे, जैसे फिल्मी भांड है, भांड कोई गलत शब्द नहीं है, भांड वो होते हैं जो बैरूबी होते हैं, हम उनको भांड बोलते हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर राजपूतों को, हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते थे, उन पर हमने रोक लगाई है। माँ पद्मावती में आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हमने 4 स्टेट में नहीं चलने दिया जी, और काफी स्टेटों में आधी आधी जगह चली। इसके लिए आपने देखा है जो हमारे ऊपर प्रहार करता है, जैसे छपाक फिल्म थी, हमने कहा छपाक नहीं देखनी, तान्या जी देखनी, छपाक धड़ाक दम से गई नीचे जी। जी, तो इस तरह से हम लोग समाज के युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं और संगठित करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा की तरफ, शिक्षा के साथ साथ खेलों में भाग लेने के लिए। और ख़ास तौर से राजस्थान में ये धारणाएं थी कि राजस्थान के राजपूत महिलाओं को 4 दीवारी में बंद रखते हैं, तो हमने महिलाओं का भी संगठन बना करके हमारी बहनों को पढ़ाई में आगे लेकर के आ रहे हैं, पढ़ाई के लिए, राजनीति में, खेलों में, हमारी महिलाओं को भी हमने बराबर में महिला विंग बना करके और पूरा आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो समाज के हमारे तो थे ही थे, समाज के अलावा किसी भी बहन बेटी की हो, गाय की हो, मंदिर की हो, जो पीड़ा होती है उनको लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष जिस जिले में घटना होती है वहाँ इकट्ठित होकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं जी। तो हम लोग जन जागृति लेकर के एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जब से बनी है तब से आप देख रहे हो पूरे भारत के आज 20 स्टेटों के अंदर हम काम कर रहे हैं जी। सर, बात की जाए आरक्षण की, तो समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सही तौर पे आरक्षण की ज़रूरत है। देखा जाए तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण की वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी सर कि आरक्षण के लिए आपने क्या क्या किया है अब तक और भविष्य में आप क्या करोगे? हमने आरक्षण 10% तो ले लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 सरकारें जाने के बाद केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दिया, वो भी आर्थिक आधार पे दिया, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को जी। तो हम ये चाहते हैं कि आपने आर्थिक आधार 10% सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को दिया है, ये पूरे भारत के अंदर आर्थिक आधार पे कर दिया जाए, इसका कोई स्तर नहीं होना चाहिए। इस सबक अभी केंद्र सरकार नहीं लेगी तो कब लेगी? इन्होंने मध्य प्रदेश खो दिया, राजस्थान खो दिया, छत्तीसगढ़ खो दिया, झारखंड खो दिया, अब दिल्ली खो दिया। दिल्ली में केजरीवाल जी के आने का क्या केजरीवाल जी के पास कोई जादू की छड़ी है? केजरीवाल जी दिल्ली में इसलिए आए हैं कि उन्होंने, जैसे मैं SC का हूँ, आप OBC के हो, ये सामान्य के हैं, तो केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि सामान्य को ये मिलेगा, OBC को ये मिलेगा, ST को ये मिलेगा। उन्होंने ये कहा पानी सबके लिए फ्री, शिक्षा सबके लिए फ्री, चिकित्सा सबके लिए फ्री, वाईफाई सबके लिए फ्री। तो मतलब उन्होंने जातियों में बांट करके ये काम नहीं किए। बिल्कुल, आज आप लोग देख रहे हो लोग वोट हिंदुत्व के नाम पर मांगते हैं और कानून जातियों के नाम पर बनाते हैं, तो ये हमारी पीड़ा है कि हम इसको सहन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है, क्यों कुचला जाता है, हमें क्यों दबाया जाता है, ये बार बार मैं मुद्दा उठाता रहता हूं और आपके जरिए भी मैं सरकार से उठा रहा हूं। जब इस देश के अंदर राजाओं का राज हुआ करता था तो 565 रियासतें इसलिए दी थी कि इस देश के अंदर समानता आ जाए, इसलिए भीख में नहीं दी तुम लोगों को कि तुम जाकर के ऐश करो कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री बनकर के और वो कानून बना करके तुम हमें कुचलो,
अरे हम लोगों ने इस देश की राष्ट्रवादता को लिए आज शिवाजी की जयंती बनाने के लिए मैं नागपुर में आया हूं, और शिवाजी वो थे जिन्होंने धर्म के और जाति के लिए, छत्रियों के लिए, अकेलों के लिए नहीं किया, पूरे भारत के लिए किया। महाराणा प्रताप जी ने खुद के परिवार के लिए और अकेलों के लिए नहीं किया, छत्रियों के लिए, सबके भारत के लिए किया। आज हिंदुस्तान, अगर भारत इसका नाम है, तो हमारे पूर्वजों ने हजारों गर्दने कटवाई और लाखों गर्दने गाजर मूली की तरह काटी है ना, तब आज हिंदुस्तान है। हमारी औरतों की तरफ देख लो आप, चाहे हांडी रानी हो, चाहे हिंदुत्व में झांसी की रानी हो, चाहे माँ पद्मावती हो, ऐसी ऐसी छत्राणियां, ऐसी ऐसी हमारी नारियां हुई है कि मर्द शरीर को भी दरिंदे हाथ से छू ना सके, उन्होंने जोर तक किए हैं हंसते हंसते। अरे इस हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को जिंदा रखने के लिए किए हैं, ना कि परिवार को। अपना परिवार पूरा का पूरा जोर कर ले इस हिंदुस्तान की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए, छत्रियों की मूछों को ऊंचा रखने के लिए, हिंदुत्व को ऊंचा रखने के लिए जोर तक किए हैं। तो ये आरक्षण इस देश की पीड़ा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की अकेले की पीड़ा नहीं है, ये इस देश की पीड़ा है और इस देश के युवाओं की पीड़ा है, देश की बहन बेटियों की पीड़ा है, देश की महिलाओं की पीड़ा है। अरे हमारे माँ बाप एक एक रोटी कम खा करके पेट को काट काट करके पढ़ाते हैं, 98-90% नंबर हमारे भाई और बहन लेकर के आ जाते हैं, पर इस आरक्षण की पीड़ा के कारण कहां जाएं, किसके पास जाएं। इस देश में व्यवस्था ही ऐसी हो रही है, जातियों में बांट रखा हमें, और फिर कहते हैं जाति पाति मिटाओ, देश को आगे बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। अरे बेटी को पढ़ा तो दिया सामान्य वर्ग की बेटी ने, टॉप आई है बेटी 98% 99% लेकर के, पर उसको नौकरी तो दो, जातियों में बांट रखा। तो आरक्षण हम ये चाहते हैं आर्थिक आधार पे इस देश के अंदर कर दिया जाए, और उसके लिए हमने मुहिम पूरे भारत में चला रखी है। बिल्कुल, ये तो आपका सही कहना है सर, लेकिन समाज में, देश में स्पेशली युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या बनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? युवा शिक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन अच्छी मनचाही नौकरी, मनचाही नौकरी की बात ही छोड़ दीजिए, उन्हें 2000 तक की नौकरी भी नहीं मिलती, तो इसके लिए संगठन द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? इसके लिए हम युवाओं को एक प्रशिक्षण दे रहे हैं और घरेलू उद्योगों की तरफ उनको आकर्षित कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगा करके अपने जीवन यापन करें, और अपना जीवन यापन करके आस पड़ोस की बहन बेटियां हैं, जैसे उनको सिलाई है, सिलाई की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जैसे हमारे राजस्थान में कढ़ाई का काम होता है, ये बड़ी बेस वगैरह बनते हैं, वो 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की एक ड्रेस बिकती है, उनमें कढ़ाई होती है, जरी का काम होता है, वो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हमारी बहन बेटियों को पढ़ा करके सक्षम कर रहे हैं कि एक बेटी पढ़ जाएगी ना तो वो दो परिवारों का उत्थान करती है, एक माँ बाप का और एक जाने वाले ससुर और पति का, ससुर का घर आवाज करती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो पढ़ी लिखी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और इस तरफ आकर्षित हों, छोटे छोटे उद्योगों के जरिए आकर्षित हो, और हमारे जो हिंदुत्व में, जो हमारे देश के अंदर धनाढ्य परिवार हैं, उनको हम समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं कि आप लोग युवाओं को रोजगार दें, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोकल, अगर यहाँ नागपुर के अंदर कोई फैक्ट्री खुल रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में नागपुर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों को। तो इसी तरह हम स्टेट वाइज अलग अलग जगह जाकर के उनको मोटिवेट और प्रेरित कर रहे हैं कि काम छोटा हो चाहे बड़ा हो करना चाहिए, और करने के लिए सक्षम और तैयार हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो काम करना है तो फिर हम डिग्रियां क्यों ले? बिल्कुल, हम हमारी जिंदगी की कीमती 18 साल बर्बाद क्यों करें? 18 साल हम बर्बाद कर देते हैं डिग्री के चक्कर में, डिप्लोमा के चक्कर में, फिर नौकरी के नाम पर जीरो। तो मैं युवाओं को मोटिवेट तो हम कर रहे हैं, पर युवा क्या करें? एक क्लास के अंदर एक एससी का पढ़ता है, एक सामान्य पढ़ता है, एससी का आईएएस का बेटा है, सामान्य का एक मजदूरी करने वाले का बेटा है, सामान्य वर्ग के जो बच्चा है उससे तो फीस के तौर पर आप 50,000 रुपए मांग रहे हो, बिल्कुल, और आप आईएएस के बेटे हो, एससी से हो, आपकी फीस फ्री। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? आज जो 6-6 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? आईएएस आईपीएस उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? जिसको एक बार आरक्षण का मिल गया उनको बार बार आरक्षण की जरूरत है क्या? अब कह रहे प्रमोशन में भी आरक्षण, प्रमोशन में भी आरक्षण, तो फिर इस देश के जो वंचित लोग हैं वो कहां जाएं, वो बता दे सरकार। ये सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, और भुक्तभोगी सरकार हो रही है, भुगत रही है।
ऐसे कई युवा हैं जो आरक्षण की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं, जिन्हें सभी चीज़ में अच्छे नंबर मिलने के बावजूद उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, ना अच्छा वो अपना जीवन बिता पाते हैं। ये बात आपकी सही है, लाखों यहाँ के युवा भारत को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं खाली जीवन व्यापित करने के लिए। क्यों? पढ़े लिखे बढ़िया हैं, बढ़िया डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, सारी चीज़ है, उसके बावजूद उनको यहाँ रोजगार नहीं है तो वो विदेशों में जा करके शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बात आपकी सही है। बिल्कुल सर, आपने अपनी मांगों के लिए कई बार आंदोलन किए, आरक्षण हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, तो ये मांगे अभी जैसे जो भी सरकार बनती है तो वो सरकार पूरी नहीं करती, ठीक है, तो इसके लिए आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे क्या, या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, इसका विकल्प नहीं है। हम इस देश के युवाओं को जगा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी बीजेपी बढ़िया काम करती है तो हम बोल देते हैं जिंदाबाद, कांग्रेस गलत काम करती है तो हम बोल देते हैं मुर्दाबाद, कांग्रेस बढ़िया काम करती है तो हम बोल देते हैं जिंदाबाद, बीजेपी गलत काम करती है तो हम बोल देते हैं मुर्दाबाद। तो हम तो उस हर मुद्दे के साथ चलते हैं, ना कि पार्टी के साथ। इन राजनीतिक पार्टियों का जैसे रवैया है और जैसी इनकी नीति है, जो इनका चुनाव घोषणा पत्र होता है उससे तो भटक ही जाते हैं ये। बिल्कुल, आज कोई भी 1 लाख युवा इस देश के अंदर इकट्ठे होकर के हम रोड जाम कर रहे हैं, हम भारत बंद कर रहे हैं, दबाव में आ जाती है सरकार। अभी 3 दिन पहले पासवान जी के घर एससी के 50 सांसदों की मीटिंग हुई, उसमें मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के 4 मंत्री भी थे, और उन्होंने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया जाए, राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, उसके ऊपर अब फिर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों सरकार पर दबाव बना करके आपको पता है SC ST Act लेके आए। मेरे को ये बता दो, विश्व के अंदर कहीं भी SC ST Act कहीं भी लागू है क्या? अरे इस देश की संसद के ऊपर एक पाकिस्तानी दरिंदे ने आके कसाव ने अटैक किया, उसकी भी जांच हुई, उससे भी पूछताछ हुई, उसके बाद उसको अंदर किया, और SC ST Act ऐसा लेके आए कोई भी किसी के खिलाफ अपनी कसम दे दो अंदर, कोई पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, सीधा अंदर, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। इस देश की सरकार को सोचना चाहिए ये कानून बनाने से पहले, और बनवाने वालों नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या तुम SC के अकेले वोट लेकर के नेता बन जाते हो? अरे सामान्य वर्ग को हम जागरूक कर रहे हैं, OBC को हम जागरूक कर रहे हैं, खाली ये SC ST Act है ना, सामान्य पर अकेलो पर नहीं लग रहा, OBC है उन पर भी लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था, अब वहां भी OBC में जो मुस्लिम आते हैं या मुस्लिम है या वहां के कुमार हैं, जाट हैं, जो भी जातियां हैं, उन सब के ऊपर ये SC ST Act लग रहा है, अकेले राजपूतों पर, सामान्य वर्ग के ब्राह्मणों पर नहीं लग रहा। तो सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इस देश में जागरूकता नहीं आएगी तो क्या करोगे? तो ये हम कह रहे हैं कि इसमें जागे। सर हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन अत्याचार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, महिला हो गया, बच्चा हो गया, उस पर कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं, तो इसमें समाज के लिए, समाज में जन जागरूक होने के लिए आपके संगठन द्वारा क्या किया जा रहा है? जो छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है और उनकी इज्जत तार तार दरिंदे कर रहे हैं, उनके लिए करनी सेना हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। करनी सेना ने पहले भी आंदोलन किया था, और आपको ध्यान में दिला दूं कि सबसे पहले 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ दरिंदगी होती है तो उनको फांसी का प्रावधान राजस्थान से शुरू किया था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, और उसको राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी। तो हमारी मांग ये है कि आप उन जो नाबालिग बच्चियों की इज्जत को तार तार करते हैं, आप उनको फांसी तो दे ही रहे हो, 4 दीवारी के अंदर दे रहे हो। हमारी करनी सेना की मांग है कि उसको सार्वजनिक चौक के ऊपर फांसी दी जाए, ताकि आगे उसको देख करके और दरिंदे की हिम्मत ना हो कि ऐसी दरिंदगी करे। तो हमारी ये इसमें मांग है। इसके अलावा हमने सरकार से बार बार कहा है कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे करके इनका टाइम बॉन्ड किया जाए। आज निर्भया का केस देख लो, 7 साल हो गए, 7 साल से निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो पा रही है। फांसी तो 6 महीने बाद ही सुना दी, पर आज तक फांसी नहीं दे पाई सरकार। ये लचीलेपन के कारण, लचीला कानून है, इनके कारण वकील लोग बचा करके ले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमे चला करके उन दरिंदों को तुरंत प्रभाव से टाइम बॉन्ड करके सजा दी जाए, और सजा के बाद तुरंत प्रभाव से उनको फांसी तोड़े तो वो सार्वजनिक चौक में तोड़े, ना कि जेल में। ये हमारी मांग प्रमुखता से है। इसके अलावा हमने कहा है, शासन प्रशासन सरकार जहाँ विफल फेल हो जाती है, जहाँ
हाथ खड़े कर देती है। वहाँ हमने करनी सैनिकों को कहा है भी आप शासन प्रशासन सरकार के पास जाएं और कार्रवाई करवाने की कोशिश करें पूरी की पूरी। अगर आप भी फेल हो जाते हो, विफल हो जाते हो, तो फिर एक लड़के को माँ भवानी के नाम पर, महाराणा प्रताप जी के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक तलवार दे करके उस दरिंदे को वहीं जनता के बीच में सजा देने का काम करे हमारे करनी सैनिक। ये मैंने बोल रखा है उनको, पर ये लचीलापन है इस कानून के अंदर, ये कहीं ना कहीं सरकार के गलत रवैये के कारण अड़चन इसमें आ रही है। आज 3 मार्च उनका डेट वारंट जारी हुआ है, 3 बार हो चुके हैं उनके, अब एक और बचा हुआ है, 7 दिन वो और आगे सरकवा देंगे। तो ये हम ये कह रहे हैं कि जो जैन मेलुवन है उसमें कोई कमी समी है तो उसको चेंज करो ना, चेंज करके बॉन्ड करके फर्स्ट टेक में चला करके उन दरिंदों को फांसी देने का काम करे। सरकार से नहीं होता तो करनी सेना करने के लिए तैयार है। ये तो हो गई सर सजा की बात, लेकिन समाज में कई ऐसे मानसिक विकृति के लोग हैं जिनकी मानसिकता में बदलाव करना जरूरी है, तो पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा बदलाव के लिए, इस चीज पर रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इसके लिए पूरे देश के अंदर शराबबंदी कर दी जाए, शराब जितने भी ये जो दरिंदगी हुई है उनमें 90% शराब पिए हुए लोग थे, शराबी व्यक्ति थे, नशाबाज थे, नशा करके उनको सूद ही नहीं रहती कि तेरी बहन है या ये बच्ची है। बच्ची, छोटी बच्ची भगवान का रूप होती है, माता का स्वरूप होती है, वो दरिंदगी में आ जाते हैं नशा होने के बाद। तो ये शराबबंदी इस देश के अंदर कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो योग सेंटर हैं, माता पिता अपने बच्चों को योग सेंटर में भेजें, वहाँ 2 से 3 घंटा अगर योग करोगे तो उससे भी बुद्धि सही होगी, शांति मिलेगी दिल और दिमाग को। तो इसलिए इन पर अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो इस पर बात बन सकती है। बिल्कुल सर, बात की जाए राजपूत कौम की, तो हम देख रहे हैं कि राजपूत जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, उनमें एकता नहीं है, तो उनको एकजुट करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? ये बात आपकी सही है। मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं क्यों पागल हो रहा है कि महाराणा प्रताप जी के समय एक नहीं हुए, छत्रपति शिवाजी के समय एक नहीं हुए, वीर दुर्गादास राठौड़ के समय एक नहीं हुए, शेखाजी महाराज के समय एक नहीं हुए, पृथ्वीराज चौहान के समय एक नहीं हुए। लोग कहते हैं मुझे, पर मैं जब से निकला हूँ ना, मैं अकेला निकला था और आज 15-15 लाख की ये जो मीटिंगें, रैलियाँ 10-10 लाख की, 8-8 लाख की हो रही है, तो अगर एक नहीं है तो फिर ये इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम एक हैं, संगठित हैं, पर ईगो, ईगो हर राजपूत के अंदर है, उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा। मैं शब्द हैं वो हटाना पड़ेगा, हम शब्द जिस दिन राजपूत लगा लेगा हम सब, तो उस दिन राजपूत समाज फिर उसी बुलंदी पर होगा जो पहले हुआ करता था। सबको साथ, सबका विकास क्षत्रिय ही लेकर के कर सकते हैं और क्षत्रिय ही करके एक दिन दिखाएंगे इस देश को। सर, आपने बात की शराबबंदी की जाए, अब महाराष्ट्र में विदर्भ में चंद्रपुर जिले में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी वहां पे छुपी तरीके से कई ज्यादा शराब बिक रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है कि सरकार एक आदेश जारी कर दे कि जो भी थाना इंचार्ज है उसके क्षेत्र में शराब पकड़ी गई, एक अलग से स्पेशल टीम बना दी जाए सभी थानों के ऊपर, जिला हेडक्वार्टर पर, वो कहीं भी रेड कर सकती है जाकर के। किसी भी जो क्षेत्र है उस पीआई की क्षेत्र में अगर शराब पकड़ी जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त, मतलब ही नहीं पुलिस चाहे और कोई काम ना रुके। ये मिली भगत से शासन प्रशासन की आड़ में लोग चलाते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं कि जो इस देश के अंदर जहाँ थाना पुलिस मौजूद हो और कोई अवैध काम हो जाए। सर, मुझे मैंने आपका सुना था और वीडियो भी देखा था, 2018 में 15 अगस्त के दिन आपने जम्मू कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, तो इसमें आपको ये सब चीज़ करने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ और इसके लिए आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये आप अपना अनुभव साझा करिए। ये फारूक अब्दुल्ला, उसने ये केंद्र सरकार को चैलेंज किया था कि तुम पाक शासित कश्मीर की बात करते हो, किसी माई के लाल में भारत में दम है तो पहले कश्मीर के लाल चौक पर तो तिरंगा फिरा करके दिखा दो। तो केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, वो एक दिन यूट्यूब पर हमारे सामने आया और हम लोगों ने बैठ करके इस पर चर्चा की, तो मैंने कहा कि आने वाली 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पर हम तिरंगा फिराएंगे। अगर भारत का अंग कश्मीर है तो फिर
वहाँ तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता, हम फहरा करके आएंगे। इस बात को लेकर के हम जयपुर से चले थे शहीद स्मारक से, करीब 2500 लोग थे। तो चलते चलते बॉर्डर पे पठानकोट मुंगेरिया के पास सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर हम पहले ही बैग लगा करके और घूम फिर करके कश्मीर पहुंच चुके थे। कश्मीर में जाने के बाद हमने वहाँ देखा सुनसान गलियाँ, कर्फ्यू लगा हुआ था, मैसेज और नेट भी बंद। नेट तो बंद था ही था, उसके अलावा मैसेज और कॉलिंग भी बंद। अच्छा। तो हमने देखा, मैंने दो चार लड़कों को भेजा मुझ क्या सिचुएशन है, देख करके आओ, हो सके तो वहाँ झंडा फेराओ। तो उन्होंने मेरे को आके कहा, भाई साहब यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, बहुत ही सख्त पैरे के अंदर यहाँ का लाल चौक है और पूरा सन्नाटा है, कोई बार ही नहीं दिखाई दे रहा। तब मैंने एक दृढ़ निश्चय करके मैं गया था कि ए बी सी टीम हमारी मड़ाई हुई थी कि ए टीम को तो वहाँ बॉर्डर पे गिरफ्तार कर लिया गया, बी टीम ने कहा भाई साहब यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो सी टीम में तो हम लोग थे, करो या मरो। तो इस टीम में कितने लोग आपके साथ थे? हम वहाँ 67 लोग पहुँचे थे, 67 लोग हम कश्मीर में पहुँच चुके थे। पर हम जैसे जैसे अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हुए तो वहाँ कॉलिंग और मैसेज भी बंद हो गया, तो एक दूसरे से संपर्क कट गया था। संपर्क कटने के बावजूद जैसे ही वहाँ नेट चालू हुआ, उसके ठीक 2 मिनट बाद मैंने जाकर के कश्मीर के लाल चौक में भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा फहराया और भारत की आन बान शान जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे लोग रखते थे वो मैंने माँ भारती की लाज रख करके तिरंगा फहरा करके आया। और मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं भारतीय हूँ, माँ भारती का लाल हूँ जो यहाँ तिरंगा इन दरिंदों के बीच में आकर के फहराया। वहाँ आ रही थी देखो भारतीय आ गए, देखो भारतीय आ गए, मारो पकड़ो की आवाज़ें आ रही थी। एक हवाई फायर भी हुआ, पर मेरे तो नीचे सामने चेस्ट पे भी फायर करते तो भी रुकने वालों में से नहीं हूँ मैं, हवाई फायर से मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने तो वहाँ तिरंगा फहराया और लहराया और भारत माता की जय बोल करके बाकायदा उनकी छाती में झंडा तिरंगा गाड़ करके आया। और फारूक अब्दुल्ला को हमने चैलेंज किया था कि तेरा चैलेंज हम एक्सेप्ट कर लिया, हमारा भी चैलेंज है कि तू 15 अगस्त को कश्मीर के लाल चौक पर मिलना, तिरंगा फहराने के बाद तेरे एक चांटा गाल पर रसीद करेंगे, तू खाता भारत का है और गुणगान विदेशों के करता है। पर वो वहाँ नहीं मिला क्योंकि उसने माँ का दूध पिया ही नहीं। तो ये मोदी जी ने, मुरली मनोहर जोशी ने और इन लोगों ने मिलकर के 91-92 में तिरंगा फहराया था। आप यूट्यूब पर देखना, ऐसे पकड़ के फहराया था। मैंने तो पूरा बाकायदा लहरा करके घुमा करके एकदम कश्मीर के लाल चौक में फेरा करके आया और मेरा वहाँ पग फेरा ऐसा हुआ, माँ भवानी ने ऐसी उनको सद्बुद्धि दी कि वहाँ धारा 370 हट गई। अब चौक चौक गली गली हर नुक्कड़ पर तिरंगा ही तिरंगा है कश्मीर में और जम्मू में। ये राजपूताने की आन बान शान और हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए हमने दृढ़ संकल्प करके गए थे और हम तिरंगा फहरा करके आए। यही जज्बा सर हमारे युवाओं में रहना चाहिए आज। ये युवाओं में जज्बा पैदा करने के लिए ही तो मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ। आज मैंने घरवार छोड़ दिया, मेरा घरवार मेरे करनी सैनिक, मैं जहाँ चला जाता हूँ वही मेरा घर और जो मिलते हैं वही मेरे भाई और बहन। तो मैं ये जज्बा पैदा करने के लिए ही तो पूरे भारत में निकला हूँ। आप लोग देख रहे हो पिछले 4 साल से, एक पहले था एक अब है, 4 साल के बाद आप लोग देख रहे हो मेरे पास फोन आते हैं, कभी साउथ से, कभी केरल से, कभी कर्नाटक से, कभी हैदराबाद से कि हम भी राजपूत हैं, कभी पंजाब से, हम वहाँ से उठे हुए हैं, यहाँ आकर के हम ये चेंज हो गए, बदल गए, अब दोबारा हमें राजपूत बनाओ, हम भी राजपूत वहाँ से उठे हुए हैं। तो ये फ़ोन आ रहे हैं, ये निश्चित रूप जागृति की ओर अग्रसित हैं, तभी तो फ़ोन आ रहे हैं। आज पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ क्षत्रिय और राजपूत नहीं है। उन सबको जगाने का काम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कर रहा है, सब भाई और बहनों को साथ लेकर के कर रहा है। बिल्कुल सर, जाते जाते आप समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं शब्द छोड़ दो, हम शब्द अपना लो, संगठन कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, पहले समाज। जो अपनी जात का नहीं वो अपनी बात का नहीं, ये बात सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बोल रहा है। जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अगर आप अपनी जात को मजबूत नहीं करोगे, अरे राजपूत वो हैं जो राजपूतों से क्षत्रिय कहलाए हो आप, असली क्षत्रिय वो हैं जो खुद मजबूत होकर के सर्व समाज की बहन बेटियों की रक्षा कर सके, सर्व समाज के गरीब लोगों को साथ और सहयोग दे सके, गाय को बचा सके, मंदिर को बचा सके,
वही असली क्षत्रिय होता है, और उस क्षत्रियत्व को जिंदा रखने के लिए मैं युवाओं के अंदर समय समय पर प्रेरित उनको करता रहता हूं, और हर स्टेट वाइज हम जाकर के और जिंदाबाद और मुर्दाबाद हम करते रहते हैं समय समय पर। सर, बात की जाए राम मंदिर की, अयोध्या में जो अभी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बना रही है, कोई राजनीतिक पार्टी श्रेय लेने की ना कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए, और कोई पार्टी श्रेय ले रही है तो मेरे सामने बिठाओ उसको, एक रुपया दे दिया इसका ट्रस्ट बना दिया। अरे कम से कम शर्म कर लो, श्री राम को तो बख्श दो, तुम इसको भी जातियों में बांटोगे, उसके वंशज हैं उनको ले लो, उन्होंने वंशावली पेश कर रखी है, उनके वंशज हैं उनको ले लो इस ट्रस्ट के अंदर, एक भी क्षत्रिय को तो लो कम से कम। अरे भगवान पैर रखा है, कम से कम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को ही ले लो इसमें ट्रस्ट में, एक भी क्षत्रिय को तो लो। आज जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कह रहे हैं ये राजपूत नहीं ये था, इसी तरह कल आकर के वो कहेंगे कि श्री राम क्षत्रिय नहीं, श्री राम के तो हम सेवा करते हैं, हमारा है। शर्म कर लो राजनेताओं, इस देश के राजनेताओं शर्म कर लो, कब तक कुचलते रहोगे क्षत्रिय समाज को, कब तक पीसते रहोगे चाकी के पाट के अंदर क्षत्रिय समाज को घाल करके। अब क्षत्रिय समाज जागरूक हो रहे हैं, हम जीत तो नहीं सकते पर हम जिस दिन ठान लेते हैं कोई भी पार्टी हो उसको छठी का दूध याद दिला देते हैं, उसको हराने का काम तो हम कर सकते हैं, हम खुद नहीं जीत सकते पर हम जिसको चाहें उसको हरा तो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा है और करके दिखाया है तुम्हें। अब जवान और खोलेंगे तो और बातें निकलेगी, फिर कोई सरे लेता फिरेगा श्री राम का फिर। अरे हमने, मैं जब छोटा था उस समय एक एक घर से एक सवा रुपया और एक ईंट इकट्ठी की थी पूरे भारत से, सवा रुपया और एक ईंट इकट्ठी की थी पूरे भारत से, वो अरबों रुपए हुए थे। ईंट किसी के घर में होती नहीं, लोग ये कहते थे ये लो 10 रुपए, ये लो 100 रुपए, हम घर में 5 सदस्य हैं, ये 100 रुपए लो, ये 50 रुपए लो, अरबों रुपए इकट्ठे हुए थे, उनका हिसाब किसके पास है? इस देश की जनता को हिसाब दे दो, श्री राम मंदिर हमें जरूरत नहीं आपके 1 रुपये की, मैंने 1 रुपया दे दिया मंदिर बना लो। कल योगी जी 500 करोड़ का बजट लेके आए मंदिर के लिए, अरे तो वो अरबों रुपए वो कहाँ है जो इस देश की जनता से आपने लिए थे, उसका भी हिसाब दे दो इस देश की जनता को। वहां लाखों लोग, वहां के जो आसपास के ग्रामीण लोग थे जो क्षत्रिय थे, जिन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी, सिर पर पगड़ी नहीं पहनी जब से मंदिर टूटा था, अब मंदिर की बनने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने की उसके बाद उन्होंने चप्पल जूती पहनना शुरू किए और सिर पर पगड़ी लेनी शुरू की है वहां के आसपास के, अयोध्या के आसपास के लोग। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनमें से तो एक इस ट्रस्ट में ले लेते आप, तो ज्यादा नहीं कहते हो, मैं यही कह रहा हूं मेरे युवा भाइयों से, एक रहो, संगठित रहो, हर उस गलत काम की खिलाफत करो, और जो शोषित पीड़ित समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। जय मां भवानी, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय सुप्रीमो सुखदेव सिंह जी गोगामिडी, जिन्होंने पूरे बेबाक तरीके से मजबूती से के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। फिर मिलेंगे खास मुलाकात में किसी खास शख्स के साथ, तब तक के लिए एकता का नमस्कार।